हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का, मैथमेटिक्स का। और इस वीडियो में हम इसके सेट थ्री के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पहले वीडियो में हम सेक्शन ए के इनिशियल जो चार क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको ए और बी के बीच का एंगल दे रखा है और साथ ही साथ आपको इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड दे रखा है जो कि 1 है। अब आपको यह पता है कि जो दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम दोनों तरफ मॉड लगा लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये जो यूनिट वेक्टर है इसका मॉड 1 हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये 1 दे रखा है, ए बी नहीं दे रखा है, और जो थीटा है वो पाई बाय 4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा ए बी ओवर रूट टू, और यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट टू आ गई। अब हम आते हैं, हमें जो फाइंड करना है, हमें ए डॉट बी फाइंड करना है। तो आपको पता है ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा या कोई भी एंगल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ए बी, और थीटा आपके पास कितना है, पाई बाय 4। अब ये जो ए बी है ये हमने पहले निकाल लिया है रूट टू, और ये हमारे पास कितना है, 1 ओवर रूट टू। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो पहला बी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ये जो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें कहा है कि ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज जीरो, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा, यहां पर मैं इसको लिख के दिखाता हूं। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी। आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्वेश्चन में जीरो दे रखा है तो इसकी जगह जीरो रख लो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी ओवर मॉड ऑफ बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल हो चुका है, जीरो के इक्वल हो चुका है ये, ठीक है। और क्योंकि हमने ए डॉट बी को जीरो के इक्वल प्रूव कर दिया है और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है। पर क्वेश्चन में इनिशियली आपको कह दिया था कि ए और बी क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो इसका सीधा सा मतलब है ना तो ये जीरो होगा ना ही ये जीरो होगा, सिर्फ ये जीरो होगा तभी इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, जीरो। इसका मतलब कॉस थीटा को जीरो होना चाहिए और ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा कितना हो आपके पास, पाई बाय 2। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच करता है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको, आपके पास कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन को हम यहां पर करते हैं, पहले ऊपर वाले से जगह खाली कर लेते हैं, यहां से इसको भी। चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें यहां पर डायग्राम बना लेना पड़ेगा तभी हम इसको आगे कर पाएंगे। तो जरा आप ये देखें, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, ये आपके पास ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये है ए ये है बी ये है सी, ठीक है। और डी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, ये रहा डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ए बी डी ट्राइंगल देखें, तो ए से बी देन बी से डी देन ए से डी।
हमारे पास जो ए बी ट्राइंगल है, इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी। आप खुद भी करके देखेंगे ए बी डी ट्राइंगल से। अब अगला ट्राइंगल है हमारे पास ए डी सी, तो इसमें ऐसे स्टेप से एरो लगेगा। तो इसमें अगर हम अप्लाई करें तो आप देखें क्या अप्लाई होगा, किस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहे हैं हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाले में। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ए डी ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ये हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसमें बी डी और जो डी सी है कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, क्योंकि आपको पता है डी मिड पॉइंट है, तो बी डी वैक्टर जो है डी सी वैक्टर के बराबर होगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा टू ए डी इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर। तो टू ए डी इक्वल टू ए बी वैक्टर आपको दे रखा है ये है, तो रख लेते हैं ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर को आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो तो हमारे पास आ रहा है फोर आई कैप प्लस सिक्स के कैप। आप खुद भी जोड़ के देखें, आप टू से डिवाइड कर दें तो ए डी वेक्टर आ जाएगा टू आई कैप प्लस थ्री के कैप। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो जो डी ऑप्शन है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, उससे पहले इसको डिलीट करते हैं ऊपर वाले जो लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, लिखा है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू माइनस वन जीरो एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ये सिंपल है क्वेश्चन, पहले तो आप ये जो लाइन है ना इसको थोड़ा ढंग से देखें क्या लिखा है, एक्स ओवर वन इक्वल टू वाई माइनस वन ओवर टू। अब ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड माइनस टू ओवर, नीचे हो जाएगा माइनस टू क्योंकि उस माइनस को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इससे क्या हो गया, आपके पास ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गए हैं। क्या डायरेक्शन रेशियो है, वन टू माइनस टू। आप एक चीज ध्यान में रखें, जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना तो उनके डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो अगर इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो है वन टू माइनस टू, तो इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो होंगे वन अल्फा टू अल्फा माइनस टू अल्फा, ऐसे लिख सकते हो, या फिर कोई और टर्म यूज कर सकते हो जैसे वन के कॉमा टू के माइनस टू के। क्लियर है, अब हमारे पास ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके पैरेलल है। तो इक्वेशन क्या होती है, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करती है उसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी, जेड माइनस जेड वन ओवर सी। तो क्योंकि एक्स वन वाई वन जेड वन आपको यहां से मिलेगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू ओवर, अब क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो मैंने आपको दिखा दिए ये है, यहां से आए हैं, और इस वाली लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो इसके डायरेक्शन रेशियो इस फॉर्म में होंगे, ये है ए बी और सी। तो x माइनस वन ओवर के इक्वल टू y प्लस वन ओवर टू के इक्वल टू z माइनस जीरो ओवर माइनस टू के। सब में से के कैंसिल कर लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस टू ओवर वन y प्लस वन ओवर टू z ओवर माइनस टू। अब हम ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस आंसर से मैच कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है, ये वाला, ये नहीं कर रहा है, शायद ये कर रहा है, शायद डी ऑप्शन जो है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चार क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर ली है, बाकी बचे क्वेश्चंस हम अगले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।